हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन टेक्नो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप पर 5 से ज़्यादा लोगों को कोई भी आप मटेरियल कैसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप ने अपना पॉलिसी को चेंज कर दिया है। पहले दोस्तों क्या होता था कि व्हाट्सएप पर अगर हम किसी भी यूज़र को फोटो भेजते हैं या फिर इमेज भेजते हैं या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार का वीडियो शेयर करते हैं तो मैक्सिमम दोस्तों हम लोगों को एक साथ में सेलेक्ट करके भेज सकते थे। लेकिन दोस्तों अभी व्हाट्सएप पर अगर आप भेजते हैं तो कुछ लिमिटेशन कर दिया गया है, इसमें आप 5 से ज़्यादा लोगों को भेज नहीं सकते हैं एक बार में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा दोस्तों जिसको आप अप्लाई करके व्हाट्सएप पर आप अनचाहे कॉन्टैक्ट नंबर पर आसानी से आप एक बार में किसी भी चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो क्या है दोस्तों ये तरीका, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे ऑन टेक्नो यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों, जो भी मैं प्रोसेस करूंगा अभी आपको यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा कि कैसे दोस्तों व्हाट्सएप पर आप 5 से ज़्यादा लोगों को कोई भी मटेरियल जैसे फोटो हो, वीडियो हो या फिर टेक्स्ट हो, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूं। और चलिए हम अभी सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपना जो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। हम सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका है सेंड करने का वो देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट किया, जैसे कि यहां से मैं कोई भी एक कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब हम यहाँ से एक फ़ोटो शेयर करेंगे, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने डन पर क्लिक कर दिया। फाइनली ये फ़ोटो हमारा चला गया है। अब दोस्तों इसे अगर हम शेयर करना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम शेयर बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम दोस्तों कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे भी हमें शेयर करना है। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, देख सकते हैं 5 लोगों को सेलेक्ट करने के बाद। जैसे मैं 6ठा नंबर पे सेलेक्ट करता हूं तो बता रहा है यू कैन ओनली शेयर विथ अप टू 5 चैट्स। तो मैक्सिमम जो है 5 लोगों को ही एक बार आप भेज सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उस तरीका को आप अप्लाई करके आप 20 लोगों को या 50 लोगों को या फिर 100 लोगों को भेज सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो 3 डॉट आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद देख सकते हैं न्यू ग्रुप लिखा हुआ है और उसके नीचे एक न्यू ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ है। तो शायद दोस्तों आप बहुत ही कम यूज़ करते होंगे ये न्यू ब्रॉडकास्ट का फीचर। अगर आप ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसे पता चलेगा कि जो शेयर किया गया मटेरियल वो ग्रुप से आया है। लेकिन अगर आप न्यू ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम एक बार में 256 को आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके कॉन्टैक्ट में जो भी है यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको जितना भी शेयर करना है आप यहां से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कुछ लोगों को यहां पे सेलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 25 मैंने सेलेक्ट किया है। आप और भी अधिक शेयर कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो पार्टिसिपेशन होगा, जो आपका मैसेज जाएगा वो यहाँ पर दिखेगा कि कितने लोगों को आपने सेलेक्ट किया है। अब दोस्तों सिंपल आपको क्या करना होगा, अगर आप कोई फोटो या टेक्स्ट या कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने गैलरी में जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गैलरी में गया और यहाँ से हम कोई भी एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं जो मुझे सेंड करना है। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद अगर हम इसे सेंड करते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर जो सेंड का बटन है अगर मैं सेंड बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये फ़ोटो पर्सनली सभी के पास चला जाएगा। तो कुछ दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट बना करके आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर आप शेयर करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि ये चीज़ जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए, कोई सही चीज़ है, तो उसे आप ब्रॉडकास्ट बना करके शेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे न्यू ईयर में किसी को आपको विश करना है या कोई फेस्टिवल या किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इन्वाइट करना है तो उसे दोस्तों ब्रॉडकास्ट में आप अधिक लोगों को कम समय में ही आप भेज सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और पहले क्या होता था कि कोई भी मटेरियल उनके पास आया, चाहे वो झूठा मैसेज हो या फिर कोई भी मैसेज हो, उसे सेलेक्ट करके उसको क्या जाता था कि बहुत सारे लोगों तक शेयर कर दिया जाता था। लेकिन व्हाट्सएप ने ये बहुत ही अच्छा अपडेट किया है अपने पॉलिसी में कि अब आप मैक्सिमम 5 लोगों तक जो है आप शेयर कर सकते हैं। अगर ब्रॉडकास्ट में करेंगे तो आप यहां से उन्हें पर्सनली चैट के द्वारा भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी किसी भी मटेरियल को आप शेयर करते हैं तो प्लीज़ एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि या ये जो आप मैसेज इतने लोगों को भेज रहे हैं क्या ये सही चीज़ है या फिर गलत चीज़ है। तो आई होप कि दोस्तों आपको पता चल गया है
कि आप व्हाट्सएप पर 5 से ज़्यादा लोगों को कैसे किसी भी चीज़ को शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।